नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आज है 4 फरवरी। चलिए बढ़ते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकाली रिक्तियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने जूनियर इंजीनियर के अनुशासन, सिविल, इलेक्ट्रिकल के कुल मिलाकर 48 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास संबंधित संकाय में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। लॉन्ग रूट की 52 बसें पहुंची पटना। BRCTC की लॉन्ग रूट की 52 बसों को पटना पहुंचा दिया गया है, जबकि 18 बसें आने वाले 2-3 दिनों में पटना पहुंच जाएंगी। पटना पहुंचने के साथ ही इनको परिवहन भवन के मैदान में खड़ा कर दिया गया है और जिला परिवहन कार्यालय में इनके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही RTA से इनके लिए BSRTC रोड परमिट लेने के प्रयास में भी जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस काम को 10 से 12 फरवरी तक पूरा करने की उम्मीद जताई गई है। अगले 2-3 दिनों में जो 18 नई बसें पटना पहुंचेंगी, जिसके बाद उनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ परमिट मिल जाने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद अब हरी झंडी दिखाकर एक साथ इन बसों के परिचालन की शुरुआत होने वाली है। अब राजधानी पटना की आबो हवा को साफ करने की शुरू हो गई है तैयारी। राजधानी पटना में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब पटना की हवा को साफ करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत अब कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए से पटना की हवाओं को साफ करने की कवायद शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, अब राजधानी पटना की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना नगर निगम 15वें वित्त आयोग से मिली 102 करोड़ रुपए की राशि से वायु प्रदूषण के नियंत्रण और कचरा प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए काम करने की तैयारी कर रहा है। राशि खर्च करने के मामले में नगर विकास और आवास विभाग ने गाइडलाइन को भी जारी कर दिया है, जिसके तहत राशि खर्च करने को लेकर नगर विकास और आवास विभाग ने वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों के लिए 50% राशि खर्च करने का निर्देश जारी किया है। धान खरीद के मामले में लक्ष्य के करीब बिहार। जहां एक तरफ किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्य में रिकॉर्ड धान की खरीदारी की जा रही है, जिसके तहत बिहार भी अब धान खरीद के मामले में लक्ष्य के पास पहुंचने को है। जानकारों की माने तो अब तक बिहार में रिकॉर्ड 24 लाख MT धान की खरीदारी सहकारिता विभाग ने की है। इतना ही नहीं, विभाग ने लंबे समय से चलते आ रहे मिथक को भी तोड़ दिया है, जिसके तहत धान की सरकारी खरीदारी का आंकड़ा 20 लाख मीट्रिक टन को भी पार नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, धान खरीदारी के रिकॉर्ड खरीद के साथ साथ 80% के करीब किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक के इतिहास में भले ही 30 लाख MT धान खरीद का लक्ष्य रखा जाता था, मगर अब तक सिर्फ 20 लाख MT ही खरीदारी हो पा रही थी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में कई विभागों की हुई समीक्षा बैठक। बीते दिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में कई विभागों की समीक्षा बैठक करवाई गई थी। इतना ही नहीं, इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा तो हुई ही, साथ ही आगामी बजट को लेकर भी चर्चा हुई। मिली जानकारी के अनुसार आयोजित इस बैठक में वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्लान पर बात की गई थी। इसके साथ ही इस बैठक के माध्यम से सभी विभागों से फीडबैक लिया गया है। इसमें इस बात की भी जानकारी ली गई कि आने इस समय में किस विभाग में कितनी योजनाओं में कितनी राशि की जरूरत है। कड़ाके की सर्दी के बीच बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना। बिहार वासियों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिकों ने ठंड से सभी आम नागरिकों को बचकर रहने की नसीहत दी है। हालांकि मौसम विभाग ने यह साफ कहा है कि तापमान में वृद्धि होने के कारण ठंड से दोपहर के समय लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, मगर अभी भी रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के पटना समेत 30 जिलों को कोल्ड डे से निजात मिल गई है, मगर अभी भी कई जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है, जिसके बाद आने वाले 5 और 6 फरवरी को पटना समेत गया, नवादा और बिहार के कई अन्य इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विधायकों को मिल गया सरकारी आवास का पता। बिहार विधानसभा ने अपने 63 सीनियर विधायकों को 2 दिन पहले सरकारी आवास अलॉट किया था। हालांकि इससे पहले 43 विधायकों को आवास आवंटित किया गया था। इस तरह से अब तक 106 विधायकों को सरकारी आवास मिल चुका है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 17वीं विधानसभा के 63 विधायक जो 2 या 2 टर्म से ऊपर यानी कि 9 टर्म तक निर्वाचित हुए हैं, उन्हें आवास आवंटित किया है। पवन जायसवाल को उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद
अपना आवास दिया गया है। उन्हें बेली रोड के जू के सामने B340 नंबर का आवास दिया गया है। इसके साथ ही नंद किशोर को पूर्व वाला बंगला तो मिला ही, साथ ही प्रेम कुमार से उनके आवास को ले लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने अब यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में महिलाओं को आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। रुपेश मामले में आखिरकार हुआ खुलासा। पटना की पुनाई चक पर कुछ दिनों पहले रात को घर के सामने रुपेश की जान कुछ लोगों ने ले ली थी। हालांकि इस मामले में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत बीते दिन इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है, जिसके तहत अब यह साफ हो गया है कि आखिर यह पूरा मामला क्या था। इसको लेकर पटना के SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि रुपेश की जान लेने की 4 बार कोशिश की गई थी। लोजपा कार्यालय के पास रोड रेज की घटना हुई थी, जिसके बाद से ही अपराधी रुपेश का पीछा करने लगे थे। औरंगाबाद के बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बाबा दुधेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर कुंड से कुछ दूरी पर सहस्त्रधारी तालाब के किनारे है, जहां पहले भगवान श्री राम और बाद में च्यवन ऋषि ने पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि देवकुंड वह धरती है जहां भगवान श्री राम गया में अपने पितरों को पिंड दान करने से पूर्व ही भगवान शिव की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। बाद में महर्षि च्यवन ने उसी स्थल को अपनी तपोभूमि बनाया और वर्षों तपस्या की। नालंदा के एथलीट की सोनू सूद ने की मदद। रियल लाइफ में तरह तरह की भूमिका निभाने वाले सोनू सूद कोरोना के माहौल में लोगों का मसीहा बनकर उभरे थे, वहीं अब एक बार फिर से सोनू सूद की एक और दिलदारी सामने आई है। इस बार सोनू सूद ने नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के पपर नौसा गांव निवासी आनंद कुमार सिंह की मदद की है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही आनंद ने सोनू सूद को ट्वीट करते हुए अपने घुटने से जुड़ी समस्या को बताया था। आपको बता दें कि ट्रिपल जंप के एथलीट आनंद को दिसंबर 2018 में हरियाणा के तक में नेशनल गेम के दौरान घुटने में गंभीर चोटें आई थी। हालांकि जब उनकी जानकारी सोनू सूद को लगी तो तुरंत ही उन्होंने गाजियाबाद के हीलिंग ट्री अस्पताल में मुफ्त में उनका इलाज करवाया। धान खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की वेबसाइट से धान खरीद के लिए किसानों के निबंधन को बंद कर दिया गया है। निबंधन बंद होने से हर पंचायत से 20% किसान अपनी धान की फसल को नहीं बेच पा रहे हैं। यह निबंधन 27 जनवरी से ही बंद है, जबकि धान की खरीद की तारीख 21 फरवरी तक है। रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाने के कारण समय रहते हुए भी किसान चाह कर भी अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि पैक्स सिर्फ कृषि विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड इच्छुक किसानों से ही धान ले रहा है। ऐसे में जिन किसानों ने खुद पोर्टल पर निबंधन कराया है उनका धान पैक्स नहीं खरीद रही है। बिहार विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा की होगी गारंटी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बजट सत्र के मद्देनजर 3 अलग अलग समितियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार का हनन ना हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बार सदन में 104 नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, इसलिए कार्यपालिका को इन सदस्यों को विशेष तौर पर सहयोग करना चाहिए। प्रोटोकॉल के अनुसार उनके प्रति सौजन्यता और सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिए और सदस्यों से शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। इस संबंध में अलग से मुख्य सचिव के साथ एक बैठक की जाएगी। वहीं इस बैठक के दौरान सभाध्यक्ष ने 7 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह की भी चर्चा की। कृषि कानून को लेकर बिहार में भी होगा चक्का जाम। बिहार में कृषि कानून को लेकर चक्का जाम की तैयारियां शुरू हो गई है। किसान यूनियन की तरफ से 6 फरवरी को कृषि कानून के खिलाफ चक्का जाम लगाने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब बिहार में भी चक्का जाम की खबरें सामने आई है। इसको लेकर बीते दिनों बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने केदार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देशव्यापी रास्ता रोको आंदोलन के तहत बिहार के सभी नेशनल एवं स्टेट हाईवे सहित सभी सड़कों को 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे दिन तक जाम करने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन में फंसे निर्देशक ने बिहार के गांव में बनाई हॉरर फिल्म। सहरसा जिले से मुंबई के बॉलीवुड का सफर तय करने वाले लेखक और फिल्म निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा ने लॉकडाउन में गांव में फंसने के दौरान एक हॉरर फिल्म बना दी। नीरज ने बताया कि लॉकडाउन में वह मुंबई से गाड़ी चलाकर अपने गांव सहरसा आए थे। गांव में रहने के दौरान उन्हें
शाम होने के साथ गांव की सुनसान सड़कों को देखते हुए नई कहानी लिखने का आइडिया आया, जिस पर उन्होंने फिल्म की कहानी लिख डाली। पूरी फिल्म को एक महीने में तैयार किया गया है। इस फिल्म में मैथिली और भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में डर के साथ दार्शनिकता को भी दिखाया गया है। आपको बता दें कि निर्देशक और लेखक नीरज कुमार मिश्रा बागी 2 फिल्म से लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे दर्जनों सीरियल्स में भी निर्देशन कर चुके हैं। राज्य के 30,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन पर आज होगी सुनवाई। बिहार के सरकारी हाई स्कूल व प्लस 2 में खाली पड़े 30,020 शिक्षकों के पदों पर आज फैसला आने वाला है। खाली पड़े पदों पर नियोजन को लेकर पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कोर्ट से नियुक्ति की इजाजत देने का आग्रह करेगा। यदि कोर्ट का फैसला आज पक्ष में आएगा तो अभ्यर्थियों का 1.5 साल लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। गौरतलब है कि जुलाई 2019 में ही इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, लेकिन अंतिम चरण में पटना हाई कोर्ट में एक PIL दायर हुआ, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक दिया गया। सिर्फ FIR से नहीं बिगड़ेगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किन किन मामलों में चरित्र सत्यापन की जरूरत होगी। अब FIR में अभियुक्त बनाए जाने के बाद जांच में उस पर किसी तरह के आरोप नहीं पाए जाते हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र में उस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जाएगी। साथ ही संदिग्ध घोषित किए गए व्यक्ति पर भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने पत्र जारी कर DGP और सभी विभागों के आयुक्त व DM को कहा था कि विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा या ठेके पर काम लेने के लिए चरित्र सत्यापन आवश्यक होंगे। किसी भी परिस्थिति में तैयार किए गए सत्यापन प्रतिवेदन सही रही हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। संविदा कर्मियों को देना होगा अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा। बिहार के सरकारी कर्मियों की तरह ही संविदा व नियोजित कर्मियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। ग्रामीण विकास विभाग की बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने यह आदेश जारी दिया है। फरवरी के अंत तक संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। संविदा कर्मियों को वित्तीय वर्ष के अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था या किसी अन्य जगह से लिए गए लोन की जानकारी देनी होगी। ये जानकारियां देने के लिए BRDS के HRMS पोर्ट के पर्सनल डिटेल विभाग में एसेट्स फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। फॉर्म भरने के लिए अनिवार्यता रखी गई है। संविदा कर्मियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का सही सही विवरण देना पड़ेगा। फॉर्म को एक बार सबमिट करने के बाद इनका संशोधन नहीं किया जाएगा। भागलपुर में हब स्पोक मॉडल से मरीजों का होगा इलाज। भागलपुर जिले में हब स्पोक मॉडल को लागू करने की तैयारियां शुरू की जा रही है। इस मॉडल से ग्रामीण एवं दूरदराज इलाके में रहने वाले मरीजों का इलाज होगा। मरीज अपने घर में ऑनलाइन इलाज करा सकेंगे। मरीज अपनी पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी जांच रिपोर्ट भी ऑनलाइन दिखा सकेंगे। इस मॉडल के तहत एक हब बनाया जाएगा, जिसमें सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को रखा जाएगा। ये डॉक्टर तय समय पर ऑनलाइन आकर मरीजों की समस्याओं को सुनेंगे। मरीजों को इलाज का प्रिस्क्रिप्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि स्वास्थ्य उपकेंद्र से नर्स प्रिंट करके मरीज को देंगी। सरकार की ओर से चयनित PHC में ही यह सेवा टेलीमेडिसिन के माध्यम से शुरू किया जाना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। शाहजहां को आगरा का सम्राट 1628 में आज ही के दिन घोषित किया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन समय हुआ चौरी चौरा कांड 1922 को आज ही के दिन हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच 1953 में कश्मीर के मुद्दे पर पहली बार बात आज ही के दिन हुई थी। 1938 में देश के मशहूर कथक कलाकार बिरजू महाराज का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1934 में भारत के देशभक्त मधुसूदन दास का निधन आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही आज ही के दिन विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान आंदोलन पर अक्षय कुमार ने किया सरकार के पक्ष में ट्वीट। किसान आंदोलन का मुद्दा अब गहराता जा रहा है। जानकारों की माने तो किसान और सरकार दोनों वर्तमान समय में अपनी अपनी जिद में नजर आ रहे हैं। वहीं अब किसान आंदोलन की आंच बॉलीवुड तक जा चुकी है, जहां एक तरफ लंबे समय से दिलजीत और कंगना इन मुद्दों को लेकर बयान देते आए हैं, वहीं अब अक्षय कुमार ने भी अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा है कि किसान हमारे देश का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए सभी मिलकर एक समाधान के लिए समर्थन करें। किसी भी तरह का विभाजन पैदा करने वालों पर ध्यान देने की बजाय समाधान पर फोकस करें।
चुनाव परिणाम को लेकर जदयू पर हमलावर दिखी लोजपा। जदयू ने एनडीए की बैठक में चिराग की एंट्री पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही लोजपा की बयानबाजियां शुरू हो गई है, जिसके तहत लोजपा की तरफ से यह कहा गया है कि एनडीए से अगर लोजपा बाहर हो जाती तो चुनाव में भाजपा की जीत वाली सीटों में कमी आ जाती, जो हम नहीं चाहते हैं। इस क्रम में लोजपा की तरफ से जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी को अब एक पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत पूर्व विधायक राजू तिवारी ने लिखा है कि नीतीश कुमार के अधिक सीटों पर लड़ने की जिद के कारण बिहार में एनडीए का बुरा प्रदर्शन रहा। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार बड़ा भाई बनकर राज करना चाहते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अहंकार के कारण सिर्फ लोजपा ही नहीं बल्कि मांझी और सहनी को भी नुकसान पहुंचाने की बात उन्होंने कही है। मंगल पांडे ने वैक्सीनेशन को लेकर साझा किए आंकड़े। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। वहीं बीते दिन एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी वैक्सीनेशन को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत सरकार का वैक्सीनेशन को लेकर जो कुछ भी नया निर्देश आएगा उसे फॉलो किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए अब तक 1,97,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग के कोविड पोर्टल पर हो चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी तक होगा, उसके बाद ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। गया मुंबई विमान सेवा हो सकती है बंद। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा गया से मुंबई के बीच विमान सेवा को बंद किया जा सकता है। घरेलू विमान सेवा के तहत पहली बार गया से मुंबई के लिए विमान सेवा की शुरुआत इंडिगो ने की थी, लेकिन इस रूट के लिए यात्रियों की कमी के कारण विमान सेवा अब बंद होने के कगार पर है। मिली जानकारी के अनुसार पर्याप्त संख्या में गया से मुंबई के लिए यात्रियों की आवाजाही नहीं होने से विमानन कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि इंडिगो ने नहीं की है। वर्तमान में गया से नई दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सेवा हर दिन जारी है। बजट को लेकर राजद ने जारी किया अपना पोस्टर। राजद ने बीते दिन अपना नया पोस्टर जारी किया है, जिसके बाद अब इस पोस्टर के माध्यम से पार्टी ने केंद्रीय बजट को निशाने पर लेने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, इस पोस्टर के माध्यम से भाजपा और नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। युवा राजद नेता ऋषि यादव की तरफ से जारी राजद के इस नए पोस्टर में प्रमुख तौर पर मुकेश अंबानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दर्शाया गया है। इस पोस्टर में जारी केंद्रीय बजट में सरकारी कंपनियों को बेचे जाने पर भी तंज कसा गया है। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में बिहार कुछ नहीं मिलने का भी जिक्र किया गया है। स्टेट हाईवे की सड़कों का अब होगा चौड़ीकरण। स्टेट हाईवे की सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर सहमति बन गई है, जिसके बाद अब एडीबी की मदद से इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार स्टेट हाईवे की सड़कों के चौड़ीकरण और जीर्णोद्धार का काम कर रही है। इसके लिए सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेगी। इस पर सहमति भी बनती दिख रही है, हालांकि इस पर भी प्रशासनिक स्वीकृति मिलनी बाकी है। पिछले 2.5-3 सालों से इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, जिसके बाद जैसे ही लोन की राशि हाथ में आएगी वैसे ही 7 स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण और जीर्णोद्धार के काम शुरू हो जाएंगे। इससे कई जिलों को लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, 300 किलोमीटर से अधिक लंबाई में सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी किया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके जवाब दिया था। आप में से जिनके कमेंट्स हमें पसंद आए हैं उनके नाम है साहिल कुमार, दिव्यांशु कुमारी, प्रद्युत सिंह, सुभवती देवी, राम गोपाल, आनंद कुमार, मृत्युंजय कुमार, अभिमन्यु कुमार, मनोहर जोशी, पंकज कुमार राज, तरुण कुमार, चंदन यादव, विजय कुमार, सिमरन सिंधु, विजय कुमार सिंह, सौरभ कुमार सिंह, कन्हैया कुमार यादव। इसके साथ ही हमें और भी कई लोगों के कमेंट्स पसंद आए हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम उनके नाम नहीं ले पाए हैं। हम आगे पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका नाम फिर से जरूर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार किसानों की तरफ से देश भर में 6 फरवरी को बुलाया गया चक्का जाम सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। और बिहार के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।